मध्य विधानसभा में इस बार फिर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यहां से इस बार समाजवादी पार्टी ने युवा महिला प्रत्याशी सामा तनवीर को अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे कांग्रेस एवं भाजपा में खलबली सी मची हुई है। हेडलाइंस 24 से चर्चा में उन्होंने कहा, मध्य विधानसभा होगा अपराध मुक्त। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चुनाव की सरगर्मी बहुत तेजी से देखी जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के बाद में कांग्रेस और कांग्रेस के बाद में अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। और हम बात करेंगे मध्य विधानसभा पे, जहाँ पे समाजवादी पार्टी ने युवा नेतृत्व करने वाली समाज तनवीर को अपना प्रत्याशी बनाया है। इनके मैदान में उतरते से ही दोनों पार्टियों में खलबली मच गई है। हम आपको बता दें कि लगातार चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, किसी भी मजहब की समस्या हो, लगातार मैदान में उतरते डटकर मुकाबला करने वाली महिला को समाजवादी पार्टी ने चुनाव दायित्व दिया है। अब देखना यह कि यहाँ की जनता इसे अपना विधायक बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सना तनवीर जी से, जो तीन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ी। दीदी, पहले तो आपको स्वागत है, आपको प्रत्याशी बनाया, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की पटेल और हमारे वरिष्ठ नेताओं सबका मैं आभार तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि मुद्दा और मुझे प्रत्याशी क्यों होता। विकास की बात करें, दोनों पार्टी कह रही विकास हुआ, लेकिन क्या लगता है आपने? विकास विकास कहीं से अंत तक नहीं है। इस चीज़ को आप जानते हैं, विकास हमको मालूम है कि विकास किस चीज़ को कहते हैं, बट थोड़ा सा काम किया उसके विकास के, ये जो छोटे छोटे कामों के विकास नहीं होते। मध्य विधानसभा की बात करें, पूरा गुंडा तत्व हावी हुआ, 12 नंबर की बल्टी में विकास खड़ा होना दुर्गा, क्या यही विकास है? तो आप देखिए ना कि विधायक से पूछिए कि विकास कहाँ है, किस हिसाब से विकास है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, विकास दोनों ने नहीं किया है। सिर्फ अपने झंडे लहराए कि हमने विकास किया, हमने काम किया। जिस तरीके से आप 12 मल्टी को देख रहे हैं, किस तरीके से गरीब को परेशान करते हैं, किस तरीके से ये कब्जे करते हैं ज़मीनों पर, आप आ जाइए मध्य विधानसभा में अंगूर बाकू की है, जहाँ पर इन्हें कहते हैं फ्लैट रिटर्न होते हैं, आज़ाद नगर की झुग्गियाँ टूटी गई, वहाँ के फ्लैटों की कब्जा ही है, वो जिनको मिलना थे वो वंचित रह चुके हैं। ये कहाँ से काम किए हैं विकास जनता के, इनसे त्रस्त है, परेशान है। मध्य विधानसभा की बात, सबसे ज़्यादा गरीबी और बेरोजगारी जी हाँ, मध्य विधानसभा में बिल्कुल विकास नहीं, ना तो महिलाओं पे इतना फोकस हुआ है, ना गरीबों पे हुआ है। सिर्फ मध्य विधानसभा की तेज तर्रार प्रत्याशी सामा तनवीर के साथ का मध्य विधानसभा में घोषणा हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मतदाताओं का छलावा हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, समाजवादी पार्टी अब मैदान में है और मुझे जनता का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा और यहाँ से मैं जीत हासिल करके, जो समस्या है मूलभूत, चाहे 12 नंबर मल्टी में जो अपराध की समस्या है, गहरे गहरे जो अपराध हो रहा है, सबसे पहले मैं उनपे अंकुश लगाऊंगी और मध्य विधानसभा को मध्य प्रदेश में आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करूंगा। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता इसे अपना प्रत्याशी रूप में अपना विधायक स्वीकार करती है। लेकिन ये बात तय है, सनवा तनवीर अगर यहाँ से विधानसभा जीतती है तो मध्य प्रदेश के इतिहास में मध्य विधानसभा अलग ही अपना स्थान बनाएगी। हेडलाइन 24 संतोष।